इतना स्पेशल है मैं अपने घर वालों से बहुत टाइम से मांग रहा था कि भाई प्लीज दिलवा दो प्लीज दिलवा दो प्लीज दिलवा दो, बट नहीं लेके दे रहे थे यार. मतलब बात थी कि जरूरत नहीं थी अभी, लेकिन अब जरूरत पड़ी है बिकॉज वो चीज़ जो मैं यूज़ करता था ना वो ख़राब हो चुकी है एंड अब हम वो लेने जा रहे हैं. बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब ढूंढने की ट्राई करेंगे. हाय मामा. हेलो. रेडी? यस. रेडी सेट गो. सेट रेडी गो बी नहीं सेट गेट रेडी. इग्नोर करेंगे. आप रेडी हो? चलो. ऑलवेज रेडी. चलो भाई फाइनली अब हम निकल गए घर से. बहुत ही मिन्नते कर करके पापा से कि पापा चल पड़ो चल पड़ो चल पड़ो चल पड़ो, अब फाइनली निकले हैं ये. इतनी देर से नहीं निकल रहे थे. गाड़ी चलानी सीख लो फिर मिन्नत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बारिश स्टार्ट हुई है तो गाइस बारिश स्टार्ट होते ही निकले. मैं ऐसी बातें सुनता नहीं. मैं ना एक्शन ले लेता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ. चलो वो तो कर ही रहा हूँ मैं आपको. आप बोल लो. तू बेटा चाह के भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तू चाह के भी नहीं कर सकता. मैं करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ पर मैं करता नहीं. यस कर ही नहीं सकता. हेलो गाइस, अब हम निकल चुके हैं. बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और बारिश एकदम से तेज आने वाली है भाई. तो चलते हैं एंड जो दो तीन चीजें लेनी है वो ले. हेलो भाई, हम पहुंच गए कोचर मार्केट में जहाँ से हमने अपना सामान खरीदना है. अब आपको अगर पता नहीं कोचर मार्केट क्या है तो कंप्यूटर एंड एवरीथिंग के रिलेटेड यहाँ पर सामान मिलता है. तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो हम ऐसे करते हैं जल्दी से जाते हैं शॉप पे जहाँ से हमने सामान खरीदना है एंड वहाँ चल के आपको मिलता है. चलो भाई, ये है दुकान यहाँ पर कोचर मार्केट एंटर करके नीचे उतर के पहली दुकान है. यहाँ पर सारे केसेस पड़े. ये देखो भाई, ये वाला केस कितना सुंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पड़ा हुआ. और लैपटॉप वगैरह भी है और बहुत सारा सामान है यहाँ पर. मतलब जो चाहिए आपको बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड सब कुछ है. देखो इधर भी ये अपडेट करा रहे हैं अपने हिसाब से. बस अभी जो सामान लेने आए वो आपको दिखाते हैं. फाइनली चलो आपको बता ही देते हैं. हम लेने आए गेमिंग स्क्रीन लेने आए थे जो मैं यूज़ करता था. 32 इंच का एक टीवी था वो यूज़ करता मैं, सैमसंग का. और बस वो यूज़ करते करते वो काला काला होने लग गया थोड़ा थोड़ा. वो जैसे LEDs हो जाती है ना काफ़ी पुरानी काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए. तो वो अब डेली 5-5, 6-6 घंटे यूज़ करना उसको. और फिर वो उसकी लाइट थोड़ी ख़राब होने लगी, थोड़ी रेडिएशन ज़्यादा होने लगी. तो वो कल थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी. वो प्रॉब्लम आई तो मैंने पापा को जाके बोला कि पापा जी ऐसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आई है तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी. कहते अच्छा ठीक है, हफ्ते 10 दिन तक देखते हैं ले लेते हैं. अब सारी बात छोड़, ये बात तेरी ठीक है. पहले ये बता तू हैंग क्यों हुआ है इतना? बता रहा हूँ रुक जो. ओके ओके. तो हफ्ते 10 दिन का बोल के आज सुबह मेरे ऊपर फटा बॉम्ब. मेरे को कहते कि नानी तेरी कर रही गिफ्ट. मैंने बोला क्या? कहते गेमिंग स्क्रीन. मैंने है ये क्या बात हुई? तो वो तब से थोड़ा थोड़ा हैंग हुआ था. मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर आने की एक्साइटमेंट थी. अब यहाँ आके इतनी सारी गेमिंग स्क्रीन जो दिखा रहे, 2-4 दिखाई उन्होंने बात करी और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी स्क्रीन अपनी ऑलरेडी देख के रखी हुई थी ना वो थी कम रेंज की. ये कहते ज्यादा रेंज की ले, बढ़िया वाली स्क्रीन ले. मैं तब से हैंग हुआ पड़ा हूँ कि क्या करे क्या करे. अब तो अभी एक स्क्रीन फाइनल हुई है तो दे रहे हैं, वो देख रहे हैं फिर आगे क्या होता. बेसिकली फैक्ट ये है कि ये हैंग इसलिए हुआ है
क्योंकि इसको यही हजम नहीं हो रहा कि मुझे स्क्रीन मिल रही है। मतलब रात को तो मैंने बोला था और मुझे पता था अभी हफ्ता दस दिन बाद मिलनी है और अभी ये स्क्रीन मिल रही है। अभी तक उसको स्क्रीन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, सिस्टम अपग्रेड नहीं हो पा रहा है, हैंग हो गया। मतलब बात यह है कि मेरे को अगर पता होता ना अच्छा मैं थोड़ी रिसर्च करके रखता कि कौन सी लेनी है, मैं पूरी रात लगा देता, चाहे पूरी थीसिस बना देता मैं कौन सी लेनी है, मैं पीएचडी कर लेता उसमें। और लेकिन मेरे को बताया ही नहीं गया, मेरे को आज सुबह पता चला कि मिल रही है तो वो थीसिस करने का टाइम नहीं मिला। मुझे तो पेन पकड़ना भी नहीं आता और मेरे को पीएचडी करने को बोल रहे हैं, अभी पेन पकड़ना नहीं आया। अब गाइस पहले एक चीज बताओ, इसकी शक्ल में इसकी चेंज कुछ करण सिंह की आपको नजर आ रहा है? अगर नजर आ रहा है तो कमेंट में बताओ यार। मतलब ये आपको लग रहा है कि ये हैंग हुआ हुआ अभी भी स्टिल हैंग है ये, अभी वो हैंग से बाहर नहीं आया। यहाँ पे हमने स्क्रीन ले ली है, इसके पीछे पड़ी है, हाँ ये पड़ी है। अब आपको अनबॉक्सिंग तो घर पे जाके दिखाएंगे, पर यहाँ पे सिर्फ बॉक्स दिखा रहे हैं आपको। ये गीगाबाइट की है, कैसा लग रहा है? पता नहीं। आपके ऐसे बैठे हो मम्मा जैसे करी हुई थी ना, मम्मा करके बैठे करके ऐसे हाथ रखते करी हुई थी क्योंकि पेमेंट आपने करनी है। नानी ने पेमेंट आपको भेजी हुई है, पेमेंट आपने करनी है। यहाँ पे एसी चला हुआ है, मुंह ठंडे हैं, हाथ गर्म है। देखो पीछे आंटी, देखो पीछे आंटी, देखो उसके ऐसे स्माइल करके दिखाओ। हाँ वेरी गुड। तो गाइस फाइनली अपनी स्क्रीन जो फाइनल हो गई है, ये ले रहे गीगाबाइट की 27 इंचेस की। और बस अब यहाँ पर बिलिंग वगैरह कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं और फिर निकलते हैं। ऑल रेडी टू गो। बस अब हेडफोन रह गई, कई हेडफोन देखने हैं, इधर उधर से देखते हैं कहीं से। हैंग तो हो गया काम, अब बोलने लायक हो रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बोला जा रहा है, पहले तो बोला ही नहीं जा रहा था। हो गया करण सिंह का पूरा काम, अब स्क्रीन खा रहे हैं, घर जाके अनबॉक्सिंग करेंगे। लो जी करण सिंह खुश, वो कह रहा है डोली लेके आ रहा है। पहाड़ों फूल बरसाओ मेरा महबूब, पहला प्यार यही सही है। यही मेरा पहला प्यार है, ये नहीं मेरा दूसरा प्यार, पहला प्यार स्पोर्ट्स है। भारी है प्यार, भारी होता है प्यार, अंधा होता है। लल्लू तेरा भारी है, आगे वाली स्क्रीन पे रखना है, आगे 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 मैं बैठी भी हूँ। हाँ तो आप पूरी सीट घेर के बैठना है, चल रख दो वहाँ पे, आगे रख, आगे रख, रख दो, उसका प्यार है। मैं बैठ जाऊंगा उसका, कोई बात नहीं। हाँ अब तो बैठेगा तू, अब सीट चेंज करने को तैयार है, बैठ। एक बंदे की सीट है तो बैठ अपने प्यार के साथ। चलो पहले भी हेडफोन देखने जाना, अपने प्यार के साथ बैठ अब। अब हेडफोन देखने जाना है। तो गाइस यहाँ पे अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी है, मेन कोचर मार्केट की तरफ पे अब चल रहे हैं। भाई हेडफोन ढूंढने बहुत जरूरी है क्योंकि अभी जो मैं ईयरफोन यूज करता हूँ ठीक है काम चलाऊ टाइप है, बट एक हेडफोन आ जाए ना बढ़िया तो बेटर रहता है। हेडफोन होते हैं तो संभाल के नहीं रखता, संभाल के रखता हूँ मैं। वो एक बार ही गिरे थे, वो एक बार ही गिरने पे उनका एक कान खराब हो गया। और अब देखो कोई पसंद नहीं आ रहे। हाँ वो जो मेरे को पसंद आ रहे वो दोनों ही आउट ऑफ स्टॉक पड़े हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर चुके हैं। उनको तो पसंद नहीं आ रहा वो। पता नहीं क्या बात है। तो चलो अभी देखते ढूंढते स्क्रीन ने कर लिया ना मेरे को। अभी गाइस हम आए बाय द वे गीक बीच पे, जहाँ पे पहले एक बार हम आए थे अपना वेलोरेंट का टूर्नामेंट खेलने। अगर आपने वेलोरेंट का टूर्नामेंट वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो आप देख लेना, मेरे मुंह पे नहीं आ रहा, इधर लेफ्ट साइड पे आ रहा। तो भाई अभी हमने यहाँ पर हमारे को फाइनली एक जो हेडफोन पसंद आया है रेजर के ब्लैक शार्क V2, इसी का एक दूसरा कलर वेरियंट है ग्रीन, वो एक बार चेक करने लगे अच्छे की कैसे होते हैं। असली माल जिसको कहते हैं ना असली माल, ये वो है गाइस। ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, एक बार दूसरा निकाल के लगाना। ग्रीन कलर तो देखो भाई सुंदर तो है, रेजर पकड़ना।
कि ये वाला बताओ। मैं तो अब यही सोच रहा हूँ कि ग्रीन वाला ले लो, वो ज़्यादा थोड़ा यूनिक टाइप लग रहा है। दोबारा डाल ग्रीन, ये ग्रीन या फिर ये बताओ। ऑफ कोर्स ग्रीन। ठीक है चलो ग्रीन वाला ले लेते हैं, ग्रीन वाला कर देंगे। चलो ये हेडफोन ले लिए, ये हेडफोन ले लिए, सही के मेरे बस में चलो। अपनी स्क्रीन भी क्लियर हो चुकी है, अब पापा ने कुछ काम करना था, मम्मा ने जूस पीना था, वो ये आ गया पहला जूस अपना। हेलो हेलो, ये आ गया माता जी का पहला जूस और ये आ गया हमारा जूस दूसरा जूस। चलो ये पीते हैं। नमक मेरे नमक पा दे थोड़ा जहाँ, हाँ वो भी पाना, मैं वो ले आके देता। तो गाइस आ गया हमारा जूस, मम्मा को भी पिला दिया, पापा को भी पिला दिया। कैसे लगा पापा मम्मा जी जूस? पापा मम्मा स्वाद स्वाद लगा। चलो अब तो पी भी लिया था मेरा, तो अभी बचा हुआ है गाइस, अभी आधा ग्लास है और मैं अपनी वाइफ और अपने एक बच्चे के साथ आके बैठ गया हूँ। आराम से इनका ध्यान रखेंगे। आजी 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 वाइफ लाई और आजी बच्चा भी हो गया। बच्चे वाली लेके आया, अडॉप्ट किया, बच्चे वाली लेके आया। बच्चा अलग जगह, अलग जगह से लेके आया। नहीं मैं बच्चा अलग जगह से अडॉप्ट किया, अडॉप्ट किया। फास्ट फॉरवर्ड है ना हम, 9 महीने वेट नहीं हुआ। जेंजी क्या क्या बातें कर रही है। कितना मतलब, और मैं घर मम्मा पापा के सामने ऐसी बातें कर रहा हूँ यार। नहीं मम्मा पापा ऐसी बातें कर रहे हैं यार मेरे बच्चे के सामने। चलो अभी हम पहुंचते हैं घर और घर चल के अभी सेटअप करते हैं सीधा सीधा, क्योंकि मेरे से वेट नहीं हो रही। ठीक है पापा चलो, ड्राइवर गाड़ी निकालो। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए एंड हमारी नई नवेली दुल्हन यहाँ पर है। पापा दरवाजा बंद कर गए। पापा कह रहे हैं दुल्हन को जब निकालना होता है ना गाड़ी से, तो वो क्या देते हैं, लाग देते हैं वो ड्राइवर को। हाँ, मतलब कि शगुन देते हैं, तो शगुन दो वो तब गाड़ी से निकालना। मैं पापा को फायर करने लगा था, वो कैश चाहिए उनको, फायर नहीं चाहिए। आ जाओ पापा। चलो होगी पेमेंट मेरी, दरवाजा खोल लो जल्दी, दरवाजा खोल लो चाबी से। नहीं हुआ लॉक्ड है। करण सीरियसली वो ऑन नहीं था। स्क्रीन को भी टेबल बना दिया। तेरे म्यूजिक की जरूरत है, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं। ये आ गई तार, स्प्लिटर आ गया। वो टाइम नहीं है, मैंने जाना है। जो ब्रिटिशर्स जब अपने हॉल में जब कुछ आता है तो उनके ऐसे सायरन बजता है ना, ये लंबी तार है, इसके आगे और एक कनेक्टर के और लंबी है। चल हम दूर देश जाके भी कर सकता है यूज। यस विश्व लगा के अब हम स्क्रीन खोलेंगे। इसको खींचना पड़ेगा, फुल करो आ गया इसका स्टैंड, ये आ गई HDMI केबल, केबल्स 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 केबल केबल मैनुअल स्टाइरोफोम। चल ज्यादा हो गया। ये आ गई हमारी फाइनली स्क्रीन,
इसका पहले निकालेंगे यहाँ से स्टायरोफोम, इसका लॉक जो था Congratulations and celebrations. तो गाइस फाइनली अपना सारा सेटअप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो पुराना टीवी था वो रहा वहाँ पर साइड पे रख दिया। एंड भाई मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई यहाँ पर ये यूज़ करके ना, मतलब क्या ही बोलो यार, बहुत मज़ा आ रहा है बेसिकली। तो अभी इसको आराम से यूज़ करते हैं भाई। मज़ा पता क्या आ रहा है, इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ अपने हिसाब से, आगे पीछे कर सकता हूँ। और बिकॉज अभी हम थोड़ी देर में स्ट्रीम करने लगे, 7:30 बजे डेली 8 बजे स्ट्रीम होती है। तो या इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग एज डे। चलो गाइस इसी के साथ में आज की स्ट्रीम अभी स्टार्ट करेंगे। आज का जो व्लॉग है वो हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। होपफुली यू गाइस लाइक द व्लॉग, होपफुली आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे वहाँ अगले व्लॉग में, तब तक गाइस गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। लव यू, लाइक जरूर एंड कमेंट जरूर कर देना कैसे लगा ये व्लॉग एंड कैसे लगा ये पीसी। और हाँ ये हेडफोन भी बताना भाई कैसे लगे। बाय बाय भाई, मजा आया ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।